और देखिए, पहले चरण के चुनाव प्रचार में सियासी पार्टियां जुट चुकी है। एनडीए और महागठबंधन के नेता ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। पहले चरण के लिए मतदान 13 नवंबर को है और 13 नवंबर को पहले चरण का रण बिछ भी चुकी है। पहले चरण के बिसात में प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंक दी है और ऐसे में दो चरणों में झारखंड में चुनाव संपन्न होंगे और हजारीबाग विधानसभा की जनता क्या कहेगी और यहां जनता का मिजाज क्या है, जानने के लिए सीधे आपको हजारीबाग लिए चलते हैं। और हमारे साथ वहां से हमारे संवाददाता अजय लाल जुड़ रहे हैं। अजय लाल का रुख करते हैं। अजय, हजारीबाग विधानसभा की जनता क्या कहती है, क्या है मिजाज इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर? सुष्मिता, एक करेक्शन है कि इस वक्त में बरही विधानसभा चुनाव बरही विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ। बरही विधानसभा क्षेत्र की मैं आपको राजनीति समझाने की कोशिश करो। ये देखेंगे, ये तैयार हो रहा है टोमेटो जूस पूरे देहाती प्रक्रिया से। इसमें भारतीय जनता पार्टी का रंग है, कांग्रेस का रंग है और इस रंग को चटकीला बना रहे उमा शंकर अकेला, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। कौन चुनाव जीतेगा कौन हारेगा कहना मुश्किल है। मुख्य रूप से त्रिकोणीय मुकाबला है। इस रंग को देख के आप समझ सकती हैं कि बरही विधानसभा में क्या कुछ होगा। अरुण साहू कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उमा शंकर अकेला बरही से विधायक थे लेकिन कांग्रेस उनका टिकट काट दिया तो वो चले गए समाजवादी पार्टी में। और मनोज यादव भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। कई लोग इस वक्त हमारे साथ हैं। बरही की जनता, बरही की जनता क्या सोच रही है इस बार, किसका है धमाका? बीजेपी सरकार का। देखिए भैया, सुन ली सुष्मिता, सवाल खत्म नहीं हुआ कि बीजेपी की सरकार क्यों? क्योंकि उसका अच्छा सौभाग्य है। अच्छा सौभाग्य है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी सौभाग्यवती होगी इस बार। क्या करते हैं आप? मार्केटिंग का काम करते हैं। मार्केटिंग में तो बहुत दूर दूर जाते होंगे, नेटवर्किंग में। क्या हवा बह रहा बरही में? अच्छा बह रहा है। किसका हवा है? बीजेपी का। बीजेपी का। और अरुण साहू जी जो है वो भी ठीक है अपने जगह पर। अपनी जगह पर अरुण साहू भी ठीक है, खराब नहीं बोली जनता। लेकिन हवा, अब मोटरसाइकिल कितना स्पीड से चलाते हैं? 40 का स्पीड, 20 का स्पीड। 40 भी 20 भी हाई हाई नहीं चलाते हैं। तो इस बार आयु जो उमा शंकर अकेला थे उनका क्या होगा? वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। तो साइकिल चला रहे इस बार? साइकिल चला रहा है, कुछ दिन के बाद एरोप्लेन भी चलाएगा। एरोप्लेन भी चलाएंगे, हो सकता है निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहे वो। तो बरही में पूरी तरह से उम्मीद, और देखेंगे एक दुकान है बरही में, आ जाइए भैया 2 मिनट। पूरा कॉकटेल तैयार हो रहा पूरी तरह से, मंचूरियन का, पूरा मंचूरियन। और ये मंचूरियन का स्वाद जो है, क्या क्या मसाला इसमें पड़ता है। और देखेंगे इधर समोसा, आ जाइए हमारे सहयोगी देवाशीष दिखाएंगे। जब तक समोसे में रहेगा आलू तब तक, हाँ बोलिए क्या बोले? जब तक समोसे में रहेगा आलू तब तक सिंगाड़ा रहेगा और क्या कह, बिहार में रहेंगे लालू। अरे आलू लालू, झारखंड में लालू प्रसाद नहीं है सुष्मिता। और देखेंगे मंचूरियन क्या बन रहा है, ये इधर देख, इधर तो चेहरा दिखा दीजिए, क्या बना रहे हैं? वेजिटेबल है, वेजिटेबल। वेजिटेबल में क्या बोलते हैं इसको? मंचूरियन। मंचूरियन क्या क्या मसाला डाले हैं? गाजर, बीट। भाजपा का मसाला, कांग्रेस का मसाला और समाजवादी पार्टी का मसाला सब मिला के। हाँ, किसका स्वाद अच्छा होगा? कैसे बोले किसका स्वाद अच्छा लगेगा? मनोज यादव जी का, भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का? बीजेपी जीतेगा। बीजेपी जीतेगा, यहाँ भी वही आवाज। आपको ये कहना दे कि सब कुछ पहले सिखा दिए है ये सब। हाँ, और वह दरुआ के नहीं देंगे। क्या बोल रहे थे? बीजेपी के देंगे, बीजेपी के, जो मेरा खाना देता है उसी के नहीं देंगे। ये तो बात रहा, ये सब लड़ुआ बरुआ के देने से क्या फायदा होगा? आप क्या बोलिए, बोल दे लिया तेरा जी। आप समझ गई होंगी, जो खाना पीना देता है उसी को वोट देंगे। मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मुफ्त अनाज देने की घोषणा की थी वो अभी भी लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। और यहाँ देखेंगे पूरी तरीके से, यह देखेंगे पूरा नचरा घन चक्कर की तरह ऐसे ही। थोड़ा डालिए बॉस,
पूरा घनचक्कर की तरह यहाँ की राजनीति बरही में, हालांकि स्पीड यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की बहुत ज्यादा है। बरही कहाँ पड़ता है? हाँ, हम लोग बरकट्ठा से, बरकट्ठा के इलाका बिला, बरकट्ठा बरही आसपास में। क्या लग रहा है इधर, इधर क्या लग रहा है? चुनाव के बाद पता चलेगा मसाला पूरी तरीके से। ये पूरा का पूरा मामला, थोड़ा दूर आगे जाएंगे आपको बरकट्ठा मिल जाएगा और थोड़ी दूर जाएंगे आपको महज एकदम बॉर्डर के इलाका के पास में खड़ा हूँ। तो अभी तक में कई ऐसे दल हैं जो पूरी तरह से जिनके चूल्हे में आग जरूर है लेकिन आग की जगह धुआं ज़्यादा दिख रहा है। तो बरही की जनता, बरकट्ठा की जनता और अब से थोड़ी देर बाद हिमंता भी शर्मा की सभा भी है, वहाँ क्या कुछ वो बोलते हैं, क्या कुछ लोगों को समझाते हैं, ये देखना होगा। फिलहाल चाय से ज्यादा गर्म केतली है सुष्मिता। बिल्कुल अजय, जब आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो किसका बोलबाला है ये हम समझ पा रहे हैं। जरूर संभव है अजय, तो कुछ और लोगों से बातचीत करिए और उनकी भी राय जानने की कोशिश करिए कि इस बार किन मुद्दों के आधार पर जनता अपने जनाधिकार यानी कि मत का प्रयोग करने वाली है। बिल्कुल, मैं बात करने की कोशिश करूंगा कुछ लोगों से। तमाम लोग ऐसे भी लोग हैं जो दीपावली के मौके पर खरीदारी करने निकले हैं, कई लोग ऐसे लोग हैं और यहाँ पर केला भी बिक रहा है। केला का मतलब आप समझ रही होंगी। आशु भी पूरा दमखम लगा रहा है चुनाव प्रचार में। भैया क्या नाम है आपका? प्रकाश मेहता। प्रकाश मेहता जी, जी कहाँ के रहने वाले हैं? चाक फील्ड बरका कला। झारखंडी है? हाँ झारखंडी है। नागपुरी जानते हैं? नागपुरी नहीं आता है। कोरठा जानते हैं? नहीं आता है। क्या आता आपको? बस शुद्ध हिंदी आता है। शुद्ध हिंदी। क्या लग रहा है इस पर हवा? मोदी का कमल फूल। कमल फूल, हाँ उसका फैन है। पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इसको कोई नहीं काट सकता है, कोई नहीं काट सकता। इस बार निकल गया फाइनल। अच्छा देखिए, ये तराजू है, ये तराजू पलरा दोनों तरफ एक बराबर। अच्छा ये भाजपा का पल रहा है, कांग्रेस का भारी किसका है? भाजपा का। भाजपा का भारी है पक्का। सुन रही होंगी आप, कोई लाग लपेट नहीं, कोई इफबट नहीं, कोई शक सुबह नहीं, कोई डाउट नहीं, यानी कि बरही बरकट्ठा का जो इलाका है, अमित यादव का इलाका है बरकट्ठा, निर्दलीय चुनाव वो जीतते रहे हैं। हाँ सर कुछ बोल रहे थे जी। अमित यादव के वोट नहीं पड़ रहा, मोदी के तरफ से मिल रहा है उसका वोट, है ना? हाँ मोदी के ऊपर सब पब्लिक सब जो है सो वोट देने के लिए तैयार है। अमित यादव को नहीं चिंता कोई, यहाँ चाक फील्ड में मुंह दिखाने भी नहीं आता। हाँ और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं दिखा रहा हूँ सुष्मिता जी। दे दे इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, दो मिनट आ जाइए, आइए 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 आइए। आपको इंटरेस्टिंग चीज तो झोला ऊपर कर दिए, झोला हेमंत भैया का झोला जी। ये देखे युवा झारखंड के बढ़ते कदम, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, सावित्री बाई फूले, अबुआ आवास, सोना सोवरण, सर्जन पेंशन, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ये महिलाएं पूरा झोला ले लेके घूमते हैं पूरी इलाके में। हेमंत सोरेन युवा मुख्यमंत्री राज्य के, क्या कहेंगे दीदी, किनका फोटो है? हेमंत सोरेन के फोटो। हाँ खुश है। पैसा मिल रहा बेटी लोग को मैया वाला? नहीं कहाँ मिल रहा है, ला एक बार आया पैसा करवा दे, करता पैसा। अरे बाप रे, तो कहाँ हो गया, रुके रुके वहीं पर भाई। हाथ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का झोला, कह रहे कि एक के बार पैसा आया और उसके बाद मैया वाला, पहले झोलवा दिखा दीजिए। ये झोला है हेमंत सोरेन जी का, राज्य के मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री। घर में कै गो बेटी है? एक ही बेटी है। फॉर्म भरे थे? हाँ फॉर्म भरे थे। पैसा आया? पैसा एक बार आया है किस्ती में, फिर नहीं आया। एक किस्त आया? हाँ। एक किस्त आया ना जी? हाँ, 1000 आया। 1000 आया ना। पैसा का क्या किए? पैसा का क्या किए, खा गए पैसा का। पायल? हाँ। पायल खरीदाया। चलिए कोई बात नहीं, चलिए झोला उठा दीजिए, झोला फिर उठा दीजिए, देख लीजिए भाई। युवा मुख्यमंत्री पूरी तरह से देखेंगे युवा झारखंड। चलिए
चुनाव का वक्त है, सब लोग देश के लोग हैं, सब लोग झारखंड के हैं, कौन जीतता है कौन हारता है छोड़ दीजिए। दीदी वोट देने जाती, इधर कैमरा देखिए, वोट देने जाती हैं, इस बार क्या लग रहा है? हाँ लगेगा, जो जिसका में वोट पड़ेगा इसी को, जिसका में वोट पड़ेगा तो आप ही लोग ना जाके वोटवा दीजिएगा। फोन पे मारेंगे, फोन। अरे बाप रे, देखेंगे, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है सुष्मिता, फूल में वोट मारेंगे। मैंने नहीं पूछा, हमने कहा कि हवा कैसी बह रही है, हाथ में सोरेन, मुख्यमंत्री सोरेन जी का झोला। आप तस्वीरें जरूर दिखा रहे हैं, लोगों से बातचीत हम जरूर कर रहे हैं, उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे ये चीजें भी स्पष्ट हो पा रही है अजय, कि जो योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, क्या इन योजनाओं का लाभ आम लोगों को मिल रहा है या नहीं। शुक्रिया बहुत बहुत अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम तस्वीरें और लोगों से बातचीत करने के लिए, और जानने के लिए कि बरही विधानसभा की जनता की क्या कुछ राय है। शुक्रिया बहुत बहुत अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।